बहावलनगर समेत जनूबी पंजाब में एक बार फिर खसरे की वबा ने नन्हे बच्चों को अपना निशाना बना लिया। इलाके में खसरा फैलने से 15 दिन में 6 मासूम बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। सारा खसरे ना मरे न बच्चे, घरों घर बच्चे हाली दो दो पैन मंजिया थे, दो दो बच्चे एक एक घर दे फौत हुए, मेरी आधी बेटी फौत हुई है। खसरा मकीन तशवीश में मुबतला है। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारी बस्ती में ना तो वैक्सीन की जाती है और ना ही पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। 8 साल 6 साल 5 साल छोटे भी कोई नहीं आने, ते कोई बीमारी घरों घर पैन, बड़ा 50 बच्चा ही आली पिया समझे, था कोई हर घर च बच्चा बीमार पिया कहती। चीफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अब्दुल अजीज शेख का कहना है कि 20 बच्चों की अमवात की इतला गलत है। कल 13 अमवात हुई जिनमें 6 खसरे से और 7 तिब्बी अमवात हुई। 6 बच्चे जेरे इलाज हैं जिनके बारे में टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद हतमी तौर पर बताया जा सकेगा। इस्लामाबाद की एक कॉलोनी है बहावलनगर की, वहाँ पे 2 दर्जन बच्चे मौत खसरा की वजह से उनकी मौत वाक़ हो गई और 50 के करीब बिस्तरे मर्ग पर हैं। जब वहाँ पहुँचे तो ये सूरत हाल नहीं थी, वो नुमेर्स थे और ये सारे के सारे नुमेर्स जो हैं उनके बाद उनसे जब हमने इंक्वायर किया तो उन्होंने कहा कि हम कहीं भी इसको इलाज के लिए नहीं लेकर गए और वैक्सीनेशन के बारे में हमारा कंसेप्ट नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि वैक्सीनेटर्स अमले के मुताबिक बस्ती के लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाते थे। महकमे को रिपोर्ट न करने पर वैक्सीनेटर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।